पुरी रे रेल ओभरब्रिज शिलान्यास कार्यक्रम आज देखा मिलता तेज केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव सामिल होते वर्चुआल जोड़ी होते केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी व्यक्तिगत कारण पुरी गस्त बातिल वर्चुआल से जोड़ी होते 6600 कोटी टंका पुंजनिवेश मोट 28 टी एनएच प्रकल्पर भूमिपूजा लोकार्पण कार्यक्रम रही एनएच 16 चंडीखोलू भद्रक जाए 6 लेन रास्ता एनएच 49 बाहरकोड़ा संग्रा जाए 4 लेन जातीय राजपथ प्रकल्प लोकार्पित होनेक प्रकल्पर शिलान्यास और भूमिपूजा कर आगे ओडिशा रे मात्र वर्ष को 40-45 किलोमीटर काम होउथिला केते 40-45 किलोमीटर आज जी केते होउछी काम वर्ष को 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर माने 100 गुणो कामटा आज जी मोदी करूछंती ओडिशा रो विकास पई एहा होउछी मोदी गारंटी मोदी गारंटी अच्छी ओडिशा को गोटे विकसित प्रदेश करी देखाइबा आज आपणकर इच्छा शीघ्र पूरण हो जुलाई अगस्त मास रे आरंभ करिबा पुरी रु अयोध्या पर्यंत भक्त मान जोड़ापाई समस्ते छिड़ा है महाप्रभु को धन्यवाद दिंतु जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की आओ गोटे सुंदर कथाटे आओ बहुत सुंदर कथाटे बहुत बहुत दिन रु समस्त इच्छा थिला पुरी रु कोणार्क रेलवे लाइन हो पुणी पुरी कोणार्क रेलवे लाइन दरकार तो आपण माने पुरी रेलवे लाइन पुरी रु कोणार्क रेलवे लाइन चाहूचंती तो चाहूचंती ताहले निश्चित भावे पुरी रु कोणार्क रेलवे लाइन खूब शीघ्र अप्रूव हबो। इसमें विशेष रूप से एनएच 316 पर मटिया माराम में 130 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। मुझे याद है कि संबित मात्रा जी पुरी के वासियों के साथ इस समस्या को मेरे पास लेकर आए थे, तब मैंने समस्या को गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था और आज उस कार्य हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। दूसरा जो 630 मीटर लंबा अरूबी अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा और इससे इस क्षेत्र में बहुत ही उसका फायदा होगा। टांगी से दीघा तक मार्ग को मंजूरी पहले दे दी गई थी, लेकिन गोपालपुर से सतवाड़ा तक पोर्शन जो है चिल्का झील की वजह से छूट गया था, लेकिन भाजपा नेता संबित मात्रा की तथा उपासना जी महापात्रा ये बीच में मुझे मिले थे, उनका बहुत आग्रह था और लोगों के आवागमन के लिए बहुत आवश्यक है, ये बात की तरफ उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, इसको भी आज मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। एनएच 516 ए और एनएच 316 ए के बीच इस मिसिंग लिंक की वजह से लोगों को अभी पंट्री बोट में सफर करना पड़ता है। पात्रा जी ने इस मांग को मैं मंजूर करता हूँ और इस समस्या के लिए एनएच 516 ए और एनएच 316 के बीच 1.5 किलोमीटर लंबा टू लेन पुल तथा 2.5 किलोमीटर दो लेन मार्ग की आज मंजूरी की भी घोषणा करता हूँ। इसका डीपीआर का काम चालू है, आने वाले 3 महीने में पूरा होगा और जल्दी इस काम की शुरुआत होगी, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ।